नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेदपेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि मेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेंस का एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है, आज लास्ट आपका एग्ज़ाम था। तो चारों दिन में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, 2 मार्च को, 3 मार्च को, उसके अलावा आपका 6 और 7 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पेपर का लेवल क्या था, नॉर्मलाइजेशन में कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितने मार्क्स का वेरिएशन आपका नॉर्मलाइजेशन में आ सकता है, उसके अलावा आपकी आंसर की कब तक आएगी, ठीक है, सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, ताकि आप समझ सकते हो कि आप सेफ रहोगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार। तो अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग बेहतर करके आए हो और मतलब ठीक ठाक आपका अटेम्प्ट है अभी जो मैं बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब जरूर मिलेगी। तो सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा, कितना वेरिएशन आपका आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आपका 4 दिन में एग्ज़ाम हुआ है। आपको पता होगा कि 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, 4 को डबल AO का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसके बाद आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम और आज आपका 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो चारों दिन में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 19 से 20 मतलब अगर यहाँ का पेपर 19 आया है, 19 लेवल है इसका, तो इसका 20 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है, क्योंकि एसएससी ने इस चीज़ को मेंटेन रखा है कि इन्होंने लेवल को इक्वल रखा, मतलब समान लेवल जो है वो पूछा गया। तो नॉर्मलाइजेशन होगा हर सेक्शन में होगा, जैसे मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें अलग, जितने भी सेक्शन में आपका एग्ज़ाम हुआ है जैसे मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन, उसका अलग नॉर्मलाइजेशन होगा। इंग्लिश और जीएस वाले सेक्शन का अलग होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, उसके अलावा कंप्यूटर का भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसका वो सेक्शन अलग पूछा गया, तो उसका भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस बार चूंकि एसएससी ने इस चीज़ में उसको आप उसकी तारीफ आपको करनी होगी कि उन्होंने लेवल को ठीक ठाक रखने का प्रयास किया और ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट आप नहीं कह सकते, लेकिन इससे यहाँ पे ये चीज़ तय नहीं होती कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। कट ऑफ इसलिए हाई नहीं जाएगी क्योंकि ढेर सारा जो खेल हुआ है वो कंप्यूटर में हुआ है और आपका टाइपिंग में ढेर सारे बच्चों को दिक्कत हुई है टाइपिंग में, ठीक है। कंप्यूटर में क्या है कि 10 क्वेश्चन करने में भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है और स्टूडेंट ने ढेर सारे तुक्के लगाए हैं, ठीक है। तो जिस वजह से अगर आप कंप्यूटर में जो क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लेके आने हैं 18 नंबर, 18, 15 और 12 नंबर, ये आने में भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है जिन्होंने ढेर सारे तुक्के लगा दिए, ठीक है। उसके अलावा टाइपिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी, आपकी उतनी एक्यूरेसी नहीं है और आपके उतने अच्छे नंबर भी नहीं है, तो आपको टैक्स असिस्टेंट पोस्ट मिल सकती थी आपके नंबर के हिसाब से। लेकिन टाइपिंग में चूंकि टैक्स असिस्टेंट वालों को केवल 5% की छूट मिलेगी, लेकिन आपने गलतियाँ इससे ज़्यादा कर दी तो कहीं ना कहीं आप इससे बाहर हो जाओगे, ठीक है। उसके अलावा ढेर सारे स्टूडेंट ने जो मदर का नेम है, जो वेरीफिकेशन प्रोसेस है, उसमें भी गड़बड़ियाँ की हैं, तो इन सब का इफेक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी और चूंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है इस बार, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या डिफरेंस आ सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 50 नंबर तक का आपको गैप देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम आपका इम्पैक्ट पड़ेगा वो 5 से 15 नंबर तक का इम्पैक्ट आपका पढ़ सकता है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ पूरा एग्ज़ाम के बारे में कि ओवरऑल जो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाला पूरा सेक्शन है, 5 से 15 नंबर तक का आपका गैप हो सकता है, मे बी ये 20 तक जाए, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जिनका पहले दिन एग्ज़ाम हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिनका पहले दिन एग्ज़ाम होता है तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा। उसके अलावा आंसर की जब आएगी तो इसके बारे में अच्छे तरीके से हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डाटा हमारे पास क्या है। फिलहाल ओवरऑल जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आएगी। तो आंसर की के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। एसएससी पहले 7 दिन में दे देती थी आंसर की, 7 से 10 दिन में, 11 दिन में दे देती थी, लेकिन अब ये जो टाइम है उन्होंने और कम कर दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी रिसेंटली जीडी की आंसर की आई है, 14 फरवरी को आपका एग्ज़ाम ओवर हुआ है
और आप लोग देख पा रहे होंगे जो आंसर की आपकी रिलीज हुई है वो 18/2/2023 को रिलीज हुई है, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 दिन के अंदर आपकी आंसर की जो है वो SSC ने रिलीज़ कर दी GD की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CGL की। CGL टीयर 1 का एग्ज़ाम आपको पता है कि 13 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चला है। ठीक है, 13 दिसंबर को लास्ट एग्ज़ाम था और इसकी जो आंसर की SSC ने दी थी वो आप लोग देख पा रहे होंगे 17/12/2022 को दे दी है, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे चार दिन के बाद आपकी आंसर की आ गई है। ठीक है, 4 दिन के बाद आपकी आंसर की जो है वो आ गई है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 दिन के अंदर SSC आंसर की दे रहा है। तो 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम जो है वो ओवर हुआ है, तो ये मान के चलिए कि 11 या 12 तारीख तक आपकी आंसर की जो है वो रिलीज़ 12 तारीख तक हर हाल में आपकी आंसर की आ जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर की का आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपका जो सेफ अटेम्प्ट है वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पोल दिखा देता हूँ। मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था, अभी आंसर की के बाद भी एक पोल करा लेंगे तो उसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पोल में स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑथेंटिक डाटा शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, देखो 100+ वाले में जो वोटिंग हुई है वो 41% हुई, तो आपको ये पता होगा कि पोल में जिनके नंबर कम भी होते हैं वो भी ज़्यादा बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3200 तक लोगों ने जो है अपना डाटा यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे मतलब जो अपनी राय है वो शेयर की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 60-70 वाले में 12% है। ठीक है, 70-80 वाले में 9% है, 80-90 वाले जो हैं वो 16% है, और 90-100 वाले जो हैं वो 22%। तो मेन जो डाटा है आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि ये वाला ही है। ठीक है, ये यहाँ पे जो 41% वोटिंग देख रहे हो इसमें भी ज़्यादा जो होंगे वो इसमें लाइक करते होंगे। तो यही आपका सेफ अटेम्प्ट है। अब मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ कि कितने, अगर आपके जो क्वेश्चन है वो सही अगर बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आपका 85 से लेकर के 95 तक क्वेश्चन सही है, अगर 85 क्वेश्चन भी सही हैं तब भी आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। 85 क्वेश्चन अगर आपके एग्जैक्ट करेक्ट हैं तब भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, और अगर आपके 95 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपकी रैंक भी आएगी। ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मिनिमम अगर कोई पोस्ट चाहिए तो उसके लिए 85 क्वेश्चन तक भी अगर आपके करेक्ट हैं, 85 क्वेश्चन भी अगर आपके करेक्ट हैं तब भी टोटल 130 क्वेश्चन में आपके 85 क्वेश्चन भी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट हैं तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। क्योंकि कितने मार्क्स बनेंगे 85 में, 15 और 24 और एक कितना हो 25, 255 बनेंगे। तो नॉर्मलाइज होने के बाद ही 260-265 इसके आसपास आपका स्कोर बनेगा। तो ये मान के चलिए कि अगर इतना स्कोर भी आता है तब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो कह रहे हैं कि 300 या उससे ऊपर कट ऑफ जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अभी आंसर की आने दो, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये छोटा सा एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा। बाकी आंसर की जब आएगी तो उस जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका डिटेल में मैं सोल्यूशन भी आपको कराऊँगा और सारा जो डाटा है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।